आचार्य नागार्जुन आयुर्वेद की दुनिया के बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन उनके पास दो शिष्य आए, वे उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। आचार्य ने कहा, तुम लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले मैं तुम्हारी योग्यता की परख करूंगा। उन्होंने कहा, तुम दोनों पहाड़ पर जाओ, वहां से दर्द नाशक बूटी और बुखार की दवा लेकर आओ। दवा की पहचान आचार्य जी ने उन्हें बता दी। दोनों शिष्य पहाड़ पर गए, एक ने दर्द नाशक बूटी और दूसरे ने बुखार की दवा ली और वापस लौटने लगे। शाम को जब दोनों शिष्य अपनी अपनी दवा की बूटी लेकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बुखार से परेशान था। दोनों शिष्य उस व्यक्ति के पास गए और पूछा, आपको क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे दो दिन से तेज बुखार है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वैद्य को दिखा सकूं। एक शिष्य ने, जिसके पास बुखार की दवा थी, उसने वह दवा उस व्यक्ति को दे दी। दूसरे शिष्य को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, वह अपने साथी से बोला, तुम आचार्य के आदेश का उल्लंघन कर रहे। दोनों शिष्य आगे बढ़े, उन्हें रास्ते में फिर से एक बच्चा मिला। उसके पैर में चोट लगी थी, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरे शिष्य ने उसे दर्द नाशक बूटी नहीं दी और बच्चे को वैसे ही रोता छोड़ दिया। रात होने से पहले दोनों शिष्य आचार्य जी के पास पहुंच गए। एक शिष्य ने आचार्य जी को दर्द नाशक बूटी सौंप दी, मगर दूसरा शिष्य खाली हाथ था। उसने आचार्य जी को रास्ते की पूरी बात बताई। आचार्य जी ने उसकी बात सुनी और कहा, कोई भी शिक्षा तभी असली शिक्षा होती है जब उसका सही तरह से उपयोग किया जाए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो। और आचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और दूसरे शिष्य को वापस भेज दिया। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से इंसान महान नहीं बन सकता। इंसान महान बनता है ज्ञान का सही समय पर सही उपयोग करने से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।